नमस्कार मु अर्पिता आपन समस्त अर्पिता किचन को बहुत बहुत स्वागत। चलंतु आज आम डोमिनो स्टाइल भेज पिज्जा बनैवा। आज रेसीपीटी आपण मानक भल लगे लाइक करूँ, सेयार करूँ, आ सब्सक्राइब करने को भूलु ना। चलतु देखा आज रेसीपी। पिज्जा बनवाई मुझे वन कप मैदा नहीं वन फोर्थ कप दही नहीं स्पून चीनी नहीं हाफ टी स्पून लुण नहीं पिज्जा सॉस नहीं बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर नहीं आठ ऑरेगानो नहीं चिली फ्लेक्स नहीं हाफ कैप्सिकम को मुझे कट कर स्लाइस भाव आठ गोटे टमाटो को भी स्लाइस भाव कट कर गोटे प्याज को भी स्लाइस करी कट कर चलतु एवं आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। इटी गोटे बाउल नहीं बाउल रे आम मैदा को नवा आठ चीनी को नवा आठ लुण पकेबा हमें आठ वन टी स्पून बेकिंग पाउडर पकेबा इट वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा पकेबा आठ रखी दही को भी पकेबा आठ आम अटा चकटला भाया आम मैदा को भल से चकटी ना देखु आठ वन टी स्पून तेल पकेबा तेल को आम भल से मिक्स करके वन आवर कवर करके रखा एठी हमर वन आवर हो गला देखु केते भल से फुली को आम आउ थे भल से चकड़ी ना आठी पिज्जा एमती प्लेट नहीं अल्प टिके मैदा दे कि आम भल से आउ थे चकटी ना ये आउ टिके मैदा को पूरा प्लेट रे आम लगेद आठ पिज्जा बेस को पूरा प्लेट रे स्प्रेड कर बोर्डर जाक को आम एम बनवा देखु पिज्जा बेस रे बोर्डर जाक को भी एमती बनई ना आठ पिज्जा सॉस को आम भल से स्प्रेड कर चीज को ग्रेट कर चीज को सब आड़े पकेबा तापर इटी आम कैप्सिकम को पकेबा तापर इटी आम टमाटो को भी पकेबा तापर इटी रखी प्याज को भी आम पकेबा देखु एमती भाव आम पकेबा सब को तापर इटी आम आउ थे चीज को पकेबा देखु ये आम रेडी चलतु ये बेक करी गोटे कढ़ई रे कि लुण को नहीं गोटे स्टैंड रखिली ये आम 10 मिनिट्स हाई फ्लेम रे ही रखा देखु ये आम लुण भल से तातिगला आठ रखी पिज्जा बेस को रखा आम 10 मिनिट्स हाई फ्लेम रे कवर कर बसवा देखु ये आम 10 मिनिट्स हो गला देखु ये आम पिज्जा पूरा रेडी चलतु एवं आम गोटे प्लेट को बाहर कर नवा ये रखी ऑरेगानो को आम पकेबा आठ रखी चिली फ्लेक्स को भी पकेबा देखु ये आम पिज्जा पूरा रेडी एवं आम पिज्जा को कट कर
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଡୋମିନୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିଜ୍ଜା ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜି ରେସିପି। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।